नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम सूजी का टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाएंगे, जो बिल्कुल बिना तेल में, बिना फ्राई करे भाप में बनने वाला नाश्ता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं ये इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। दोस्तों, ये मैंने 1 कप सूजी ली है, ये मेरी बारीक वाली सूजी है। आप मोटी वाली चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और दोस्तों, मैंने दही लिया है, ये मैंने 1 कटोरी दही लिया है। हम इसमें आधा दही डालेंगे और पानी लिया है। तो सबसे पहले हम सूजी को और दही को मिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, सूजी में हमने आधा दही मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से एक बैटर बनाएंगे। और दोस्तों, 5 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं ताकि हमारा बैटर ये अच्छे से फूल जाए। देखिए दोस्तों, ये सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे और ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना। और देखिए, हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें 1 पिंच हम नमक डालेंगे, नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये दोस्तों, मैंने इडली का सांचा लिया है, इसको मैंने घी से उंगली की हेल्प से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने बैटर को इसमें भर देते हैं और सभी सांचों में अच्छे से हमने भर देना है इसमें। देखिए दोस्तों, मैंने चारों सांचे की कटोरियों में अच्छे से बैटर भर दिया है। अब हम इसको रखते हैं। दोस्तों, मैं सांचा इसमें कढ़ाई में रख रही हूँ क्योंकि अभी हम 4 ही इडली बना रहे हैं और नीचे हमने पानी डाला था, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सांचा इसमें लगा देते हैं और इसको लिड से ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देते हैं और इतने में हमारी इडलियाँ अच्छे से फूल कर पक जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब हम इडली के बैटर के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, ये मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं, आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम मैश किए हुए आलू में ये 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, उसको डालते हैं। और मैंने कटा हुआ टमाटर लिया था, ये भी 2 चम्मच है, इसको भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया था, इन सभी चीज़ों को डाल देते हैं। दोस्तों, इसमें गाजर, शिमला मिर्ची अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, सब्जियां ऑप्शनल है। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डालते हैं, 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, हल्दी में बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और 1/4 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अगर आप नींबू डालना चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मिक्सचर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा सा दोस्तों इसमें 1 चम्मच हम दही डालेंगे। दही से ये बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, अच्छा सा फ्लेवर आता है। दोस्तों, ये नाश्ता जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी है। देखिए दोस्तों, स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इडली देख लेते हैं, इडली हमारी कैसी हो गई है। देखिए दोस्तों, इडली भी हमारी बन चुकी है और ये अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं चम्मच की हेल्प से। देखिए दोस्तों, चम्मच की हेल्प से हम इन सारी इडलियों को इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इडलियाँ सारी निकाल ली हैं और इसको मैंने प्लेट में रख ली हैं। अब हम 1 इडली उठाएंगे और हम तेज चाकू की हेल्प से इसमें बीच में इस तरह से एक कट लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से हल्के से घुमा घुमा के इस तरह से हम इसमें एक कट लगा लेते हैं। अभी मैं 1 इडली में बता रही हूँ आपको, इस तरह से मैंने इसमें कट लगा लिया है। अब हम 1 इसका पार्ट उठाएंगे और दोस्तों इसमें हम टोमेटो केचप लगाएंगे।
टोमेटो केचप सभी को बहुत पसंद आता है, और अगर किसी को पसंद ना हो तो आप इसमें हरी चटनी भी लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए मैंने केचप अच्छे से फैला दिया है। अब ये जो मैंने फिलिंग बनाई थी, ये फिलिंग को हम लेते हैं और इस तरह हम इडली पे अच्छे से हम चारों तरफ इस तरह से फैला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने फिलिंग को अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। अब इडली का हम दूसरा पार्ट उठाएंगे और इस तरह से ऊपर से दबाते हल्के से इसको इस तरह से दबा देंगे, और देखिए हमारा कितना हेल्दी और टेस्टी हमारा इडली सैंडविच चटपटा बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों ये बिल्कुल बिना ऑयल फ्री ये नाश्ता है। तो इसी तरह से हम सारे बर्गर सैंडविच बना लेते हैं। देखिए दोस्तों मसाला सूजी पटेटो बर्गर हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में नाश्ता, जितना अच्छा लग रहा है उतना ही ये टेस्टी और हेल्दी है। ये बच्चों को टिफिन में भी आप दे सकते हैं, ये सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक सैंडविच कट करके दिखाती हूँ। देखिए नाइफ की हेल्प से बिल्कुल हल्के से दबाते हुए मैंने इसको कट किया है। देखिए दोस्तों इडली सैंडविच हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये नॉन फ्राइड नाश्ता है। और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।